भारी बारिश का चौतरफा असर जो है उत्तराखंड में नजर आ रहा है। और देहरादून से ये बड़ी जानकारी, रायपुर में बादल फटने से स्थानीय नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है। देहरादून से ऋषिकेश और एयरपोर्ट जाने वाला जो मार्ग है वो भी बाधित बताया जा रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते जो पुल है वो भी टूट चुका है। जिले के तमाम जो स्कूल हैं उनमें अवकाश घोषित कर दिया गया है। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया पर भी ब्रेक लग चुका है। तो भारी बारिश ने तबाही मचाई है। रायपुर में बादल फटा है, टपकेश्वर मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात हैं। ये बड़ी जानकारी, देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक में बादल फट गया। सरखेत गांव के लोगों ने यहां पर बताया कि यह घटना तड़के करीब 2:45 की, और इस सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इसके साथ ही देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। तो उत्तराखंड में शुक्रवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक में शनिवार के तड़के बादल फट गया और स्थानीय नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है।